पोर्ट फॉर इन्वायरमेंटल ग्रुप्स एन इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन कमिंग आउट ऑफ द कन्जरवेशन ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स दैट सीक्स टू प्रोटेक्ट एनालाइज और मोनिटर द इन्वायरमेंट अगेंस्ट मिस यूज और डिग्रेडेशन फ्राम द ह्यूमन फोर्सेज जो इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हैं वो कुछ लोग जो मिल के अपनी एक यूनियन अपना एक ग्रुप फॉर्म करते हैं बेसिक पर्पस जो है वो मिस यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स को रोकना है इन्वामेंटल डिग्रेडेशन को रोकना है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है ह्यूमन एक्टिविटी और ह्यूमन फोर्स की वजह से जो इन्वायरमेंटल डैमेज है उसको रोकना है उसके लिए बहुत बड़े बड़े इन्वायरमेंट के ग्रुप्स हैं जो नेशनल हैं इंटरनेशनल हैं लोकल लेवल पे हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी मेंबरशिप्स हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं ऑनलाइन एक्टिव हैं जो उस पर रिसर्च कर रिसर्च करते हैं रिसर्च करवाते हैं सेमिनार्स करते हैं टीवी प्रोग्राम्स करते हैं इश्यूज को हाईलाइट करते हैं इनके लिए पॉलिसीज़ बनवाते हैं लॉज एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस को कहते हैं उसके लिए लॉज बनाने के लिए कि किसी तरह इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल भी हैं नेशनल भी हैं रीजनल भी हैं और लोकल भी हैं अगर नेशनल लेवल पे देखें तो गवर्नमेंट एंटिटीज में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ब्यूरोज हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट्स अब एस्टेब्लिश किए गए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के साथ अक्रॉस द ग्लोब पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ में गवर्नमेंट के सिस्टम में भी इन्वायरमेंट इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड ग्रुप्स हैं पार्लियामेंटेरियंस में भी लोग होते हैं जो इन्वायरमेंट पे कम काम कर रहे होते हैं उनके लिए ग्रुप्स बनाते हैं डिबेट्स बनाते हैं सिविल सोसाइटी आर्गनइजेशन होती हैं नॉन आर् गवरमेंटल आर्गेनाइजेशन जो प्लांटेशन करती हैं क्लीन इन्वायरमेंट के लिए काम करती हैं ग्रीन इन्वायरमेंट के लिए काम करती हैं रीजनल लेवल पर होती हैं नेशनल लेवल पे डिफरेंट कौंसल्स हो सकती हैं डिफरेंट लीगल एंड एंटिटीज़ हो सकती हैं डिफरेंट एसोसिएशन हो सकती हैं और होती हैं मौजूद हैं इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ प्रॉब्लम इनकी डिग्रेडेशन के लिए जो काम करते हैं जो इन्वायरमेंटल ग्रुप्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं टू कीप द इन्वायरमेंट वी रिक्वायर पीपल टू कम टुगेदर कम्युनिकेट कोलाबरेट कन्वर्ज दर वर्क टू ऑबटेन बेस्ट रिजल्ट ये इसलिए ज़रूरी हैं कि लोग इकट्ठे हों कम्यूनिकेट करें कोलाबरेट करें, करें और अपने रिजल्ट करने के लिए वो रिज़ल्ट के जिसमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए कोलेक्टिव एफर्ट्स करें इन्वायरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल कन्जर्वेशन बिकम इम्पॉर्टेंट एंड सिंस कोलाब्रेशन इज इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस बिकेम बिकम नेसेसरी फॉर सोशल चेंज देखें इन्वायरमेंट को अगर प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है इस सोशल चेंज को लाने के लिए इस सोशल चेंज के लिए ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए मुनज़म लोग चाहिए वेल well कनेक्टेड लोग चाहिए जो रिस्पॉन्ड कर सकें और सोशल चेंज ला सकें इन टर्म्स टू मेक द एनवायरनमेंट बेटर इन्वायरमेंटल ग्रुप्स में जो बहुत ज़्यादा वेल नॉन है रिकगनाइज हैं दैट इज़ द क्लाइमेट वर्कस फाउंडेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कंजर्वेशन इंटरनेशनल है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ़ है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है बहुत से प्रोजेक्ट्स जो सीज में रिवर्स की जो इकोलॉजी है सी इकोलॉजी है मेरीन इकोलॉजी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीन करने के लिए इन्वायरमेंट को डब्ल्यू डब्ल्यू एफ का बहुत बड़ा रोल है रिसोर्स लजसी फंड है पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स हैं और इट्सल्फ यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फोकस इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे है रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ रिसोर्स पे है